अब अपने को बेटा इसमें वैकल्पिक व्यवस्था देखो कि अपन क्या कर क्या कर सकते हैं। आप और मैं 25 साल से है ना प्रेम, सुनो मेरे से ही होगी उम्र है ना, मेरी गर्दन तो नहीं काटोगे ना, अब समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, बस यही कह रहे। तो वो हल्ले से समाधान नहीं निकलता है। दूसरी बात ये है, मारवाड़ी में अपने गाँव में ना ज्यादा दाई बेहाली होती है, तो जहाँ पर भी पांच आदमी बात ज्यादा, हर आदमी अपनी अपनी राय देगा, घर में एक मतलब नहीं होता तो पूरे समाज में थोड़ी होता है। ज्यादा ही है ना बेटा, तो मेरे साथ तो ये चल जाओ, बाबू दिन भी चल जाओ, पूरे एरिया में घूम लेते हैं यार, पूरे एरिया में घूम, एक दिन दो दिन तीन दिन आप कहोगे भाई साहब। हम रात में सो रहे थे, हमारे पास 3-3.30 बजे के आसपास लोगों के इन्फॉर्मेशन गए और उन्होंने कहा कि हमारे जिनको हम मीठे नीम वाले बाबा के नाम से जानते थे उनकी मजार को तोड़ दिया गया है, जबकि प्रशासन को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था। प्रशासन कहती है कि हमने सूचित किया, लेकिन वो सूचना हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची है और हमें हमारी बिना जानकारी के हिसाब से ये मजार को इन्होंने शहीद कर दिया, तोड़ दिया, जिसका हमें सख्त विरोध है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम नगर निगम से प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें मेयर साहब और जो भी हमारी शहर की प्रशासन है वो हमें सर हम तो यही चाहेंगे कि हमारी मजार हमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए, 10x10 जगह हमें दे दी जाए। मैं सुबह मॉर्निंग के बाद में 4:30 बजे आए यहाँ पे, पांच गाड़ियाँ लगी हुई थी, दो तो डंपर थे और दो तीन जेसी भी थी। उन्होंने इसको हाथों हाथ मजार को थोड़ा उड़ा के हाथों हाथ ले गए और आस पास के जितने भी यहाँ पे 2-4-5 मकान जो बाबा के करीब है रहने वाले, उनके मकानों के आगे जाकर के पुलिस वाले खड़े हो गए, उनको घर से बाहर नहीं निकलने उनको बंद कर दिया। वहीं पे भेदभावपूर्ण मतलब कार्रवाई हुई है ये, और उसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं इस चीज का। भैया किसकी मजार थी, कब से है ये? 60 साल से ज्यादा पुरानी मजार है।